dear students, my name is Rianjit and I am your math teacher. Class 9, chapter number 4, exercise 4.2. Last lecture के अंदर हम इसको question number 13 तक complete कर लेंगे. आज हम इसके last दो question number 14 and 15 करेंगे. इससे पहले मैं एक formula लिख रहा हूँ. A की cube minus B की cube by plus 1 into A plus B. ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर और क्या एक माइनस का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर. इन्हीं दो फार्मूले पर क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 बेस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1, इसमें हमारे पास है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब. एक्स की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस x प्लस y. अगर हम x की क्यूब माइनस y की क्यूब देखें तो हमारे पास सेकंड फार्मूला बन रहा है x माइनस y इनटू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर. अभी बाद में ये वाली वैल्यू माइनस x प्लस y. उसके बाद x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. इधर में अगर हम माइनस को कॉमन लें तो अंदर क्या साइन चेंज हो जाएंगे. x नेगेटिव का तो पॉजिटिव का हो जाएगा, y पॉजिटिव का तो नेगेटिव का हो जाएगा. अब हमारे पास क्लास दो वैल्यूज बन गई हैं. एक वैल्यू हमारे पास बन गई है j और एक वैल्यू हमारे पास बन गई है j. क्योंकि माइनस माइनस और प्लस दो साइन होते हैं जो वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं. मल्टीप्लाई करने को आपस में मर्ज कर रहा है. अब इन दोनों वैल्यूज में देखें x माइनस y और x माइनस y कॉमन है. x माइनस y हम कॉमन ले लेंगे बाकी अंदर क्या बचेगा. x माइनस y कॉमन इस साइड पे ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस. यहाँ से हमने कंप्लीट कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा सिर्फ बाहर रह जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन. और इसे नेक्स्ट ये इससे नेक्स्ट इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती. इसको और हम रोल आउट नहीं कर सकते तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है. उसके बाद इसका पावर नंबर 2 यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है. पावर नंबर 2 के अंदर इसका मैं दिया हुआ है एट एक्स की क्यूब माइनस 1/27 एक्स की क्यूब. अब देखें हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब. वो कैसे है 2 इंटू एक्स के अगर हम 4 की क्यूब लेंगे 2 की क्यूब लेंगे तो 8 2 को 3 टाइम्स करेंगे 2 4 4 2 8 और एक्स का क्यूब आ जाएगा. ये बात है 8 का क्यूब माइनस 1/3 एक्स का क्यूब. 1 का क्यूब 1 ही 3 का क्यूब लेंगे 3 को 3 टाइम्स करेंगे 3 9 9 3 27 आ जाएगा और एक्स का क्यूब एक्स का क्यूब आ जाएगा. अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके इक्वल क्या है ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस ए इनटू बी प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसका सी प्लस फॉर्म क्या बनी ओपन किया जब हमने तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर आ जाएगी माइनस 2 x से क्रॉस तो 2/3 प्लस 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9 एंड x का स्क्वायर. ये इसको हमने ओपन करके लिख दिया 8x की क्यूब माइनस 1/27x की क्यूब. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट. नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ.
उसमें भी सेम ही अपने हमें वैल्यू दी हुई है, हमने उनको भी सेम ही फॉर्मूले में पुट कर करके उसने हमें ओपन फॉर्म में दी हुई है, हमने उसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। जहाँ पर हमें क्लोज फॉर्म में लिखी हमने ओपन करके लिखी है, तो ऐसे नंबर 15 का क्वेश्चन हमें ओपन करके लिखी हुई है, हमने क्लोज करके सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 15। सही फॉर्म पर मान करते हैं हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। अब हम देखें तो माइनस आ रहा है, इस साइड पे प्लस है, प्लस का फॉर्म लग रहा है, तो प्लस में ए बी के साथ नेगेटिव होता है, इसके साथ प्लस होता है। तो देखिए तुम्हारे पास एक वैल्यू जो है ना, अब ए हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर के और वाई की, और बी इक्वल है वाई स्क्वायर के, ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू ए का स्क्वायर, ए क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस ए एंड बी प्लस बी का स्केयर, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, रूज़ा 4, एक्स की 4 माइनस इधर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस रूज़ा 4 तो वाई की 4 सेम बन रहा है। अब देखें तो अगर हम इसको फॉर्म में पुट करें, यहाँ फॉर्म में देखें हम ऐसे, तो ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी एंड टू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, तो उसके हमने क्लोज करके लिखा, ये बना एक्स के स्केयर की क्यूब प्लस वाई के स्केयर का क्यूब, पावर सब उसे मल्टीप्लाई किया 2 3 6, तो एक्स की 6 प्लस वाई की 6, यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं, इसका अंदर किसने हमें सेम दिया और किसने हमें क्यू दे दिया है, जब से हमें ए एक्स स्क्वायर दिया था वहां से हमें ए क्यू दे दिया, तो एक्स की क्यू माइनस वाई की क्यू इनटू एक्स की 6 प्लस एक्स की क्यू वाई की क्यू प्लस वाई की 6। फिर हम वही लिखेंगे, अब a हमारे पास क्या है x की क्यूब है और b हमारे पास क्या है y की क्यूब, मतलब a माइनस b इनटू a स्क्वायर, a क्या है x की क्यूब उसका स्क्वायर प्लस a b मतलब a क्या है x की क्यूब इनटू b, b क्या है y की क्यूब प्लस b का स्क्वायर, b क्या है x की क्यूब और उसका स्क्वायर, तो x की क्यूब माइनस y की क्यूब, अब देखें 2 6 x की y की और 2 6 और y की 6 साइन भी सेम है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे, अब जो यहाँ पे माइनस है तो मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब इसकी इक्वल आया a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर, से जब हम क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा a का a की क्यूब माइनस b की क्यूब। अब हमारे पास जो a है वो x नहीं है, वो है x की क्यूब, a क्या है x की क्यूब उसका, और a a क्यूब आया फार्मूले का, मतलब a का क्यूब था, a हमारे पास x की क्यूब था उसका क्यूब माइनस b था हमारे पास y की क्यूब और फिर उसका क्यूब, 3 3 9 x की 9 माइनस y 3 3 9 x की 9 और y की 9। इधर पार्ट 1 और पार्ट 2, नेक्स्ट पार्ट 3 और 4 दोनों भी सेम है। पहले हम वैल्यूज को अरेंज करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग और उसके बाद उनको आपस में क्लोज कर लेंगे। पहला सवाल तस्थर्ड करते हैं, पार्ट नंबर 3
पहले दिए से एम एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बीच में पॉजिटिव इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर x की 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की 4। जब मैंने आपको बोला था कि इसके साथ माइनस होता है तो फिर a भी मतलब x का x साथ क्या होता है पॉजिटिव। पहले हम वो वैल्यू अरेंज करते हैं, यहां पे क्या है x माइनस y, तो हम इसके साथ वो वैल्यू ले गए जिसके साथ यहां पर क्या हो x प्लस y, तो ये वैल्यू ले आते हैं हम साथ में x स्क्वायर प्लस x y प्लस y स्क्वायर। इसी बात हम ये लिखते हैं x प्लस y, अब यहाँ पे प्लस है तो मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए नेगेटिव, तो ये वैल्यू के साथ नेगेटिव आ रहा है तो हम इसके साथ ये वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा x की 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की 4। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों फार्मूला a की क्यूब माइनस b की क्यूब प्लस की a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, मतलब कि इन फार्मूलास को देखते हुए हमने चार इन तीनों वैल्यूज ऑफ x को आपस में क्या किया है क्लोज किया मर्ज किया। यहां पे माइनस है तो कौन सा फार्मूला ये माइनस का x की क्यूब माइनस y की क्यूब, ये प्लस का देखिए इसका फार्मूला है x की क्यूब प्लस y की क्यूब, और ये प्लस क्या है लेकिन यहाँ पे हमारे पास a x या b y नहीं है, यहाँ पे हमारे पास a x स्क्वायर है और b y स्क्वायर है, मतलब x के स्क्वायर मतलब a का क्यूब प्लस क्या है तो प्लस का फार्मूला b b क्या है y स्क्वायर और उसका Q। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो x की आती है 9 x की 6 माइनस y की 6 इनटू 3 6 x की 6 प्लस y की 6, ये बन गया x की 12 माइनस y की 12। जब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। हमारे पास क्या है x की 12 माइनस y की 12। इसके बाद का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर भी पहले हम अरेंज कर लेंगे, पार्ट नंबर 4 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 4 x की 4 प्लस 4x स्क्वायर y सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 4x की 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास जो a है ना वो है 2x स्क्वायर और जो b है वो क्या है 1, यहां भी माइनस है मतलब x y वाली मिड वाली वैल्यू का क्या होगा प्लस, इन दोनों को पहले भी अरेंज करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 इनटू 4x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 1 अब इस वैल्यू के साथ प्लस है इसके साथ माइनस का होगा तो ये ले लेते हैं 4x की 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखें तो ये हमारे पास a है, a मतलब फार्मूला क्या बन रहा है a माइनस b का क्या होगा a माइनस b मतलब ये a है साथ माइनस और s का b b क्या है 1 इनटू
ए का स्केयर मतलब ए का स्केयर, टू एक्स स्केयर का स्केयर, तो टू दर फोर और एक्स का स्केयर, एक्स का टू दर फोर और एक्स की फोर हो जाएगी, प्लस ए, ए भी आएगा, ए का है हमारे पास टू एक्स स्केयर, इंटू बी आएगा, बी के वन प्लस वन का स्केयर। अब देखें ए माइनस बी एज इट इज टू का स्केयर गया तो फोर एक्स की टू की पावर टू का टू दर फोर, तो फोर एक्स स्केयर आ गया प्लस टू आंसर टू और एक्स की स्केयर एज इट इज प्लस वन का स्केयर गया तो वन, मतलब यहाँ पे हमारा फार्मूला ए कम्प्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं टू एक्स स्केयर प्लस वन, एक बार हमारा यहाँ तक बन रहा है टू एक्स स्केयर प्लस वन ए प्लस बी इंटू ए स्केयर, ए क्या टू एक्स स्केयर उसका स्केयर माइनस ए वैल्यू ए इंटू बी होता है, ए क्या टू एक्स स्केयर इंटू बी क्या वन प्लस बी का स्केयर, और बी क्या वन और उसका स्केयर। अब देखें ए प्लस बी इंटू ए स्केयर टू पावर टू तो फोर एक्स की टू पावर फोर तो फोर एक्स की फोर माइनस ए बी टू आंसर टू एक्स का स्केयर प्लस वन का स्केयर वन, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। माइनस का तो ये फार्मूला बन रहा है माइनस का मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्या टू एक्स के स्केयर का क्यूब माइनस बी के वन और उसका क्यूब, एक फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक प्लस वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा तो ए प्लस है, ए क्या टू एक्स स्केयर उसका क्यूब प्लस वन और उसका क्यूब, एक क्लास। उसके बाद फिर हम करेंगे टू का क्यूब लिया तो एट थ्री टाइम्स करेंगे टू टू जार फोर फोर टू जार एट और एक्स क्यूब थ्री जार सिक्स माइनस वन का क्यूब वन इंटू इधर एट एक्स की सिक्स प्लस वन। अब इनको जब हम ऑपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा सिक्सटीन एक्स की ट्वेल्व, एंड चले मैं आपको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैक नहीं करते, पहले आप इस वैल्यू को दोनों के साथ करेंगे एट एट सर सिक्सटीन एक्स की दे सेम है तो पावर से ऐड होगी सिक्स एंड प्लस प्लस सिक्स एंड प्लस सिक्स ट्वेल्व, फिर जब एट एक्स सिक्स को प्लस वन से करेंगे तो एज इट इज एट एक्स सिक्स। अब इसको इन दोनों से करेंगे प्लस माइनस माइनस एट एक्स सिक्स को वन से लिया तो एज इट इज एट एक्स की सिक्स प्लस वन वन सर वन और प्लस माइनस माइनस। अब दोनों वैल्यू सेम है साइन डिफरेंट है तो क्रॉस तो क्या बना सिक्सटीन सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस वन, जब हमने इन दोनों को से मल्टीप्लाई किया एट एट सर सिक्सटीन फोर और सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर, फिर जब जाना हम इसको से मल्टीप्लाई किया एट वन सर एट पावर वैल्यू पर आदि वन से मल्टीप्लाई करके और साइन पॉजिटिव का, फिर जब इसको इससे किया था प्लस माइनस माइनस एट वन सर एट और वेरिएबल एक्स वन से मल्टीप्लाई करके एज इट इज, और फिर लास्ट क्या थी प्लस माइनस माइनस वन वन सर वन माइनस वन, वैल्यू सेम थी साइन क्रॉस और बाकी जो बचा हुआ उसके फैक्टराइज करके सिंपलेस्ट फॉर्म की इसको मर्ज करके हमने ये आ गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी कम्प्लीट 4.2 और आज के लेक्चर भी, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।